लॉकडाउन के टाइम पर बहुत एक्सप्लोर किया, बहुत ही एक्सप्लोर किया इस दुनिया को. दुनिया में मतलब बहुत सी जो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी मुझे मीन्स नेट पे गूगल से कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती थी, कहीं से कुछ खबर मिलती थी, मैं उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होती हूँ. ये मेरा नेचर ही है जानने का, खुराफाती नेचर कह सकते हो आप. जिस भी देश के जो भी अच्छी बातें हैं उनको मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं आप कोई अगर पर्सनल चीज़ है तो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ कि हाँ मुझे ऐसी अपनी सोच को या अपनी चीज़ को करना है. और ये भी इच्छा रहती है कि कंट्री वाइज भी उस अच्छी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई किया जाए. मैंने भी सोचा कि हाँ चलो फ्रेंच सीखती हूँ या स्पेनिश, तो लेकिन मुझे रोमन स्क्रिप्ट से हटकर कुछ सीखना था क्योंकि इंग्लिश तो था ही सिलेबस में, तो पढ़ा भी है, तो बस शुरुआत ही हुई थी. मैंने शुरुआत अपनी हीरा गाना से की थी और जो मज़ा आ रहा था ना, मतलब लेकिन जो मेरी टीचर थी वो कुछ दिन के लिए उनको कोई प्रोजेक्ट मिल गया और वो जापान चली गई. उसके बाद में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब ये सब जितने भी ऐप हैं सब पे मूवीज़ और सॉन्ग देखते देखते फिर नज़र पड़ी BTS पर. BTS की बात शुरू हुई है तो मैं आपसे एक वाक्या शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी, आई थिंक क्लास 7th में रही होगी.